हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाइस होम प्लांट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लाई हूँ और ये जानकारी है काचरी के बारे में। काचरी, जिसे हम वाइल्ड मेलन के नाम से भी जानते हैं और इसका बॉटेनिकल नाम है क्यूकमिस कैलोसस। काचरी पे बहुत सारी रिसर्चेस भी की गई हैं और इन रिसर्चेस से पाया गया है कि ये एक वेजिटेबल और एक फ्रूट होने के साथ साथ इसके औषधि गुण भी बहुत सारे हैं। मैं आपको इसके सारे औषधि गुण भी बताऊंगी और इसे किस तरह से हमें लेना है उसके बारे में भी जानकारी दूंगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो हम काचरी की पहचान कर लेते हैं। तो इसके फल आप देख सकते हैं, जब कच्चे होते हैं तो इस तरह के हरे कलर के होते हैं, थोड़े पक जाते हैं तो थोड़े येल्लोइश हो जाते हैं। इसके लीव्स देखिए, इनका शेप इस तरह से होता है और इसके फ्लावर्स हैं येल्लो कलर के, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। मैंने इसे अपने घर में एक पॉट में लगा रखा है, आप भी अपने गार्डन में इसे लगा सकते हैं और इसके बहुत सारे फायदे हम ले सकते हैं। ये दो प्रकार की होती है, कड़वी भी होती है और खट्टी मीठी होती है। तो जब भी आप इसका उपयोग करें तो पहले हमें चख के देख लेना है कि ये कड़वी है या खट्टी मीठी। अगर कड़वी है तो हमें इसे उपयोग नहीं करना है और खट्टी मीठी है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। काचरी को हम घर पे आसानी से लगा सकते हैं। आप देखिए, मैं इसकी चटनी रोज बनाती हूँ। मैंने इसके कुछ फल तोड़ रखे हैं और इसमें आप देखिए सीड्स ज़्यादा होते हैं और ये सीड्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसके औषधि गुण और भी बढ़ जाते हैं। मैं आपको अब बताऊँगी कि कौन कौन सी बीमारियों में हमें इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। आजकल अपनी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बड़े से छोटे तक हम देखते हैं कि कब्जियत की प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है और हम अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काचरी एक सब्जी भी है और एक औषधि भी है जिसका इस्तेमाल हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। काचरी को छील लेना है और छील कर इसे काट लेना है और फिर इसकी चटनी बना लेनी है। जैसे हम दूसरी चटनी बनाते हैं, प्याज की चटनी है, पुदीना की चटनी है, उसी तरह से इसकी चटनी बना लेनी है और इस चटनी को आप सुबह और शाम अपने खाने में यूज़ करें। एक एक चम्मच चटनी या दो दो चम्मच चटनी भी लेंगे तब भी अपने पेट में बहुत ही इसका अच्छा इफेक्ट होता है, हमारी कब्जियत की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दूसरा, हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं कब्जियत को दूर करने के लिए, तो अगर अपने पास ज़्यादा मात्रा में ये फल है तो हम इनको सुखा लेंगे और सुखाने के बाद इन्हें हम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। इन्हें पीस कर हम पाउडर फॉर्म में रख लेंगे और रोज़ रात को आप एक चम्मच काचरी का चूर्ण ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हम आधा चम्मच ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने पेट के रोगों में ये बहुत ही राहत दिलाता है। इसे जब सुखाना है तब इसे छील लेना है और छील कर हम सुखाएं ताकि पूरा साल हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो देखा आपने, हमें ये कब्जियत से कितनी आसानी से छुटकारा दिलवाता है और साथ साथ में इसकी चटनी इतनी स्वादिष्ट होती है क्योंकि इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, तो अपने खाने का स्वाद भी और बढ़ता है और बच्चों को भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। काचरी पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और रिसर्चेस में पाया गया है कि ये एक सुपर फूड है जो कि अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। हम इसे अपने खाने में आसानी से शामिल कर सकते हैं। हम काचरी की सब्जी भी बना सकते हैं और काचरी की चटनी भी हम रोज खा सकते हैं। पाउडर फॉर्म में अगर हमने इसे रखा है तो दाल में या सब्जियों में हम थोड़ा थोड़ा सा पाउडर इसका मिक्स कर सकते हैं ताकि इसका स्वाद भी अपने खाने के स्वाद को बढ़ाएगा और साथ साथ में हमें पेट के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। और ये भी पाया गया है कि हेयर ग्रोथ और स्किन ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। इस तरह से इसके बहुत सारे अच्छे औषधि गुण हैं और अगर सिर दर्द है तब भी इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सिर दर्द से परेशान हैं तो इस फल के रस को या इसकी जड़ को तेल के साथ अच्छी तरह से उबाल लें और जब अच्छी तरह से तिल के तेल में इसकी जड़ या इसका रस मिक्स हो जाए तब हमें उसे थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर उसे छान लेना है और एक बॉटल में ये तेल भर के रखना है। और जब भी हमें सिर दर्द महसूस हो
तो अब हमें माथे पर इसका लेप करना है। इस तरह से सिर दर्द में भी ये बहुत ही राहत दिलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा कि काचरी एक सब्जी तो है ही, लेकिन साथ साथ में इसके बहुत सारे औषधि गुण हैं। ये एक रामबाण इलाज है कब्जियात के लिए, और बच्चों से लेकर बड़ों तक ये इसे हम अच्छे से खा सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाएं। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियां मैं लेकर आते रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।